पर निसंदेह सराहनीय भी है। 99 बच्चों से विकसित हुआ यह विद्यालय क्यों हुआ? क्योंकि 99 के घर में नहीं पड़ा होता। जैसा अभी इसकी हिसाब में बताया कि साधन नहीं संकल्प सफलता दिलाते हैं, तो उस समय जो लोग रहे हैं यहां मौजूद भी हैं जो सीधी वाले लोग, उनके संकल्प से आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और एक आयोजन बहुत ही सार्वजनिक विषय पर जिस पर विस्तार से प्रोफेसर करण साहब ने बताया अटल जी के बारे में, और जो विषय दिया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मानवता राष्ट्रवाद एवं राजनीति के कार्य के अनुकूल, क्या इन दो तीन विशेषणों में अटल जी को बांधा जा सकता है? नहीं। ये कोई कह रहा था कि कुशल वक्ता थे, कोई कहेगा अटल जी बहुत अच्छे पत्रकार कवि थे, कोई कहेगा अटल जी राष्ट्रवाद के प्रेरक थे, भरोसा थे, कोई कहेगा कुशल संगठनकर्ता थे, कोई कहेगा राष्ट्रप्रति समर्पित एक व्यक्तित्व थे। इन सब गुणों को यदि हम अपने में समाहित कर लें तो अभी अटल जी नहीं बन सकते, क्योंकि अटल जी अटल जी उनका वर्णन, उनके व्यक्तित्व का वर्णन तो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। और जो विषय दिया है उन सब उन विशेषणों के बारे में शब्दकोश खत्म हो जाएगा, लेकिन शब्द मेरे के इतना विराट व्यक्तित्व होगा। तुलसीदास जी ने राम के अलौकिक